हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से व्हाइट काजल का इस्तेमाल करती हूँ मेरे मेकअप में। तो व्हाइट काजल जो है, आप किसी अच्छे ब्रांड से ले लीजिए। मैंने जो है व्हाइट काजल मंगाया था डिबोरा मिलानो का, और ये इस तरीके का है और बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। लेकिन व्हाइट काजल से बहुत ज़्यादा मेकअप लुक जो है वो आइज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, डिफाइन हो जाता है ज़्यादा। तो इस वक्त मैंने लाइनर लगाया हुआ है, मस्कारा अप्लाई किया हुआ है, लेकिन काजल नहीं लगाया है। और काजल मैं व्हाइट अप्लाई करने वाली हूँ, जिससे आंखें थोड़ी ज़्यादा वाइड एंड ज़्यादा खूबसूरत दिखें। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है काजल, और इस काजल के बारे में मैं बता दूँ, ये 275 रुपीज़ का आता है, और दिबोरा मिलानो का ये काजल है। वाइट 117 इसका नंबर है, तो इस तरीके का है। और इसका रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। कोई भी सेफ वाइट काजल आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाइट काजल नहीं आते हैं, हर ब्रांड में आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ, जैसे कि वाटर लाइन पर। तो आप दोनों आंखों में बिल्कुल साफ साफ जो डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको, और ये मैंने लगा लिया है वाइट काजल, और इससे आंखें बहुत ज़्यादा डिफाइन लगती हैं। आप चाहें तो बस इतना ही अप्लाई करें, और आप चाहें तो ब्लैक काजल यहाँ पर अप्लाई करने के बाद वाइट काजल लगा सकती हैं। लेकिन लाइनर पर जो ये वाइट काजल है, इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा बड़ा आता है। और उसके बाद में ये मैंने लगा लिया है, तो इतना ही लगाएं, बहुत ज़्यादा ना लगाएं, अदरवाइज आंखें जो हैं वो बिल्कुल बार्बी वाला लुक आने लगता है। और आप चाहें तो काजल को थोड़ा सा इन अ कॉर्नर में लगा सकती हैं। इस तरीके से तो मैंने इस तरीके से लगा लिया है, और आप पास से देख लीजिए। ओके, तो बस इतना ही वाइट काजल जो है वो अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा लाइट वेट है, एंड इट्स वेरी नाइस। तो ये काजल जो है वो आप भी ले सकती हैं, जिनको वाइट काजल का शौक है वो बिल्कुल ले लीजिए। यदि आपको अनदर काजल के डेमो देखने हो तो मेरे चैनल पर जाइए और ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, एंड आप मेरी IGTV वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय दोस्तों।